गया, टेंट नहीं लग रहा यार, हवा इतनी ज्यादा है भाई। कहानी कुछ ऐसी बन रही है यार कि मुझे लग नहीं रहा है कि मैं यहाँ पे टेंट लगा पाऊंगा, क्योंकि एक तो हाइट है और एयर फ्लो मत पूछो, मतलब कि कैमरा उड़ के गिर गया, टेंट गिर के यहाँ तक पहुँच गया था। बट थोड़ा सा देखने के बाद मुझे एक जगह मिली है, दिस स्पॉट। पता नहीं आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो स्पॉट को, यानी ये एक तरह से ऐसे तालाब टाइप्स है और बीच में इसमें एक गोल सा स्पेस है, लाइक जैसे बोन फायर के लिए बनाते हैं ना अपन, वैसा। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना यहाँ से पत्थरों को हटाकर सफाई की जाए और यहाँ पे लगाया जाए टेंट। क्या बोलती है रिपब्लिक, लेट्स सी। मुझे नहीं लगता आज ये हो पाएगा, कैमरा ही उड़ जा रहा है यार। मैं बनाऊं या बनाऊं, मतलब लगाऊं टेंट, लगाऊं क्या करूं, कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा। दिमाग का झन्ना हो गया है, उड़ जा रहा है सब कुछ ही। अब वहां पे लगाया, क्योंकि देखो रात को बारिश तो पड़नी है, डैम श्योर है, ठीक है, वो जाएगा पूरा का पूरा भर, मतलब ऑब्वियसली यार हर तरफ से पानी उसके बीच में जाएगा, कांच के वो पड़े हुए हैं। मैंने की कोशिश वहां साफ करेंगे, पर मैंने देखा कि नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ नहीं आ रहा है अब यार, ये पत्थरों से दबा दबू के रोक रखे हैं, ये खोल लिए, अब ये पैक करने में भी इसको ना प्राण लग जाएंगे सारे। तो जी कहानी ने पासे पलटना शुरू कर दिया यहाँ से, क्योंकि तूफान इतना भयंकर वाला था कि अगर मैं टेंट गाड़ लेता, हुकअप कर लेता हूँ तब भी उड़ता ही उड़ता। तो मैंने एक ही चीज़ सोची और समझदारी ये बरती कि भाई साहब सामान तंबू वंबू लपेटो और निकलो, जबकि मैं टेंट को पूरा रोल अप नहीं कर पाया, उसको सिंपली मैंने यू नो वैसे ही रफ करके डाल दिया कि अभी निकलो यहाँ से, क्योंकि बारिश लग चुकी थी। और दूसरी बात, अफसोस इस बात का है ना यार कि जो मैं सीख कर गया था, जो मैं चीज़ें आपको दिखाना चाहता था ना पिछले वाले ब्लॉग पे, इतना अच्छा प्यार दिया और मैं वैसे हो गया था यार कि नहीं इस बार और बेहतर करना है, यू नो और अच्छा देना है कुछ ऑडियंस को। और आगे देखो अब क्या होता है। जा रहा हूँ वापस, बड़ा दिल दुख रहा है पता है, सदमा लगा है, सदमा भाई, सदमा, सदमे से निकलने के लिए मैं दातुन खा रहा हूँ। देख रहे हो पीछे जंटा बंटा सब लेके चल रहा हूँ। बड़ी उम्मीदें लेके आया था मैं कसम से, कि पता नहीं क्या क्या क्या, मतलब बियर गिलू हो जाऊंगा इस बार, ऐसा सोच लिया था मैंने। दिल नहीं कर रहा है पता, आधे रास्ते में खड़ा हो गया हूँ, मन नहीं कर रहा है घर से, मतलब घर वापिस जाने का। मुझे करना था यार, आई वॉज डैम डेस्परेट अबाउट दिस यार, बट क्या कर सकते हैं। अब यहाँ हूँ तो हवा ही नहीं है लो जी, और ऊपर वो पेड़ मान ही नहीं रहे हैं, यहीं लगा लूँ रोड पे ही। चलो चलते हैं आगे, और क्या। अब हवा ही नहीं है यहाँ पे, अरे बड़ी भरी यार, टेंट उड़ गया, सब उड़ने को था, कैमरा गिर गया नीचे। वो ही ना, बारिश जितनी मर्जी हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक जगह देखी मैंने, पर मैंने देखा फिर जब बारिश अगर कहीं हुई तो फिर उसमें पानी भरेगा सारा नीचे। एक तो आपके मामों का ब्लॉग नहीं बना और आप हंस रहे हो ऊपर से, हंस रही है ऊपर से, हंस रहे हमें निराशा पूर्वक मुझे वापस आना पड़ा। इसमें से प्याज टमाटर यूज कर लो, बड़ा ज्यादा तूफान यार, पर यार जंगली चिल्ला रही और है बुरी हुई, और हाइट है ना, हाइट है बड़ी ज्यादा, टेंट कैमरा है ठीक आता है, एक्टिंग नहीं करनी मम्मी यहाँ, चिंता मत करो, मैं एक्टर हूँ मम्मी, मेरी ओवर एक्टर। हाँ जी ये देखो मेरी माता, चाह दे दो मम्मी बड़े बिस्किट के साथ ना। हेलो, एक तो मेरा व्लॉग नहीं बना और आप यहाँ बैठ के घूम रहे हो, आपको शर्म नहीं आती है, आपको शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी। ये क्या, इसको रस्सी डाल दी, ओहो अब आएगा मजा, पोपलू अब आएगा आपको मजा, अब जाओ यहाँ, जहाँ भी जाना आप नहीं जाओ, अभी आपका नंजा पकड़ रखा है भाई। ये क्या करती है ना यार, ये सारे इसने प्लांट खराब कर दिए यहाँ के, पता है, मिट्टी खा लेगी, फूल खा लेगी, कुछ भी खा लेगी जो इसके हाथ लगेगा। हेलो करो, हेलो बोल दो, हेलो हाँ?
तेरे दांत, तेरे दांत। क्या चाहिए बोलो, खाने और? मत खाओ, गिली 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 गिली। 10 महीने ही है, जो मर्जी दे दो। सुबह इसने कच्चा, मम्मी टिंडे छिल रही थी ना, इसे दांतों से छिल के दे दिए, तो बोला लो टिंडा खा लिया भाई। कुछ नहीं मिलता तो वो रैक पे खड़े होके उसमें दांत मार देती है। अरे रुक जा यार, बात कर रहा हूँ, कोयल है। पोपलू को देखना, ये क्या बनाया है। खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो पोपलू, खा लो, लो खा लो। खा तो उठाना जल्दी। ओ देख जय शंकर, सिद्धि अंदर ढप। तो ऐसा ऐसा मौसम और बढ़ जाओ एकदम। चाय तैयार है? आ गया, ठीक है, चलो जी चाय पीते हैं और रेडी टेबल पे बैठ के फिर आपसे गपशप करते हैं। बाय। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कुछ भी अच्छा लगे आपको तो समझ गए, समझ रहे हो ना, नए हो तो घंटी बजाना, पहले सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट में अपना थॉट ज़रूर लिखना कैसा लगा आपको, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर और ज़्यादा बेहतरी से काम कर सकूं। यस, राइट नाउ आई एम ऑन एडिटिंग टेबल एंड वर्किंग ऑन दिस वीडियो। सो मुझे लगा कि मैं अपने मन का भावना रोक नहीं पा रहा था, कि मैं चाहता था अपने लोगों को बता सकूं कि भाई साहब दिक्कत हो गई यार, तो ये सब होता रहता है। इट्स ओके, इट्स ऑल अबाउट नेचर एंड यू नो आई लव नेचर, आई रिस्पेक्ट नेचर। प्रकृति की अपनी मर्जी है, वो कभी भी हम पे बरस सकती है, तो इट्स ओके, प्रकृति से डरो, ठीक है। तो ठीक है जी, इसी के साथ बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, सुबह हो चाहे शाम हो, अपने लिए रात ही सब कुछ है।